महाराज ऐसा ही नहीं, जो सुधामा दरवाजे दरवाजे पर भटक रहा है। सुधामा यहाँ भीख मांग रहा है, महाराज कैसे दर दर भटक रहो सेना सुदामा पर इतनी गरीबी आ गई तो सुदामा दर दर भीख मांगने लगा। जू द्वार द्वार पे पर इतनी गरीबी आ गई जो दर दर भीख मांग रहा है। इधर सुशीला ने कहा महाराज ऐसे उधार नहीं होगा, तुम द्वारका के चले जाओ। सुशीला आगे बढ़ी है तो पड़ोसनी के आंगन में गई। एक पड़ोसनी का दिल पिघलाया, बोली बहना हमारे घर में थोड़े से चावल हैं, अगर हो जाए तो तुम वही चावल लिए जाओ और अपने पिया को दे देना जाके। महाराज फटी हुई झोली में मैया सुशीला ने जो चावल जो थे दो झोंक चावल निकले, मैया ने फटक के चावल अपनी झोली में रख लिए और वही चावल लेके के महाराज जब वो चली है महाराज सुधामा के पास में पहुंची। कहने लगे स्वामी ये भोजन सुदामा जी से कहा है। सुदामा जी स्वामी पड़ोसी के आंगन से हम चावल लेके आए हैं,
ये चावल लेके द्वारका को चले जाओ और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, बस अपनी क्षमा मांग जाना जो तुमने उनसे किया है। महाराज उसी समय वो चावल जो थे सुदामा के अपने पुटरी में बांधे और महाराज सुशीला ने कहा महाराज कुछ लेके ना आना, सिर्फ अपने जीवन को धन बना लेना, जाके प्रभु से कहना मुझे क्षमा करना।